नमस्कार साथियों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के छात्रों के लिए आप सभी के लिए अभी अभी एक नई नोटिस जारी हो गई। सीटेट जुलाई परीक्षा में 3 नए नियम लागू किए जाएंगे। इस पर जितने भी हमारे सीटेट जुलाई परीक्षा 2024 के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि CBSE सीटेट परीक्षाओं की पल-पल की सटीक जानकारी आप सभी को सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। दोस्तों, गूगल पर जाकर सर्च करें सीटेट हिंदी प्रो। जैसे ही आप लोग सीटेट हिंदी प्रो सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आप लोग ओपन कर लेना। आज की ये नई नोटिस हमारे सीटेट के छात्रों के लिए, सीटेट के एडमिट कार्ड होने जा रहे हैं जारी। सीटेट के एग्ज़ाम में 3 बड़े बदलाव। आपको बता दें, सीटेट की परीक्षाओं को 5 जुलाई से, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई से शुरू किया जाना था, लेकिन अब आप सभी की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जा रही है। जो अपडेट आ रही सामने, उसमें बताया जा रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद आप सभी की इस बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 28 जून तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 28 जून तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट seetet.nic.in पर आपको सीटेट के एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्रों की लिस्ट आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें तो इस बार सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी थी, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इस बार परीक्षा केंद्रों की दूरी आप सभी के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होगी। इस बार पेपर लीक जैसी जितनी भी घटनाएं होती थी, इस पर रोक लगेगी। इस बार कई नए नियम और बड़े सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं। CCTV कैमरों की संख्या बढ़ी, परीक्षा केंद्रों की दूरी बढ़ाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ जुलाई एग्ज़ाम में न्यू रूल्स भी लागू होने जा रहे हैं। इस बार सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज देखने को मिलने वाला है। सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट आएंगे, पेपर कठिन आएगा और इस बार कट ऑफ भी आपकी कम होने वाली है। इस बार कई नए नियम के चलते इस बार सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा कठिन बताया जा रहा है। वहीं बात करें तो सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न में भी आपको चेंजमेंट देख सकते हैं। एग्ज़ाम को पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम में कराने की भी यहाँ पर मांग चल रही है और इस पर भी काफ़ी बड़ा फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट पर एक नई सूचना आप लोग भी जाके पूरी जानकारी यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।